नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति प्रकाश दादिज हाजिर हूँ आपके लिए फिर एक अफसर की सक्सेस स्टोरी लेकर। इस बार की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो बे इंतहा गरीबी में पली बढ़ी। अपने दोस्तों के चंदों के रुपयों की मदद से वो इस सफलता तक पहुंची। दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल को आपका खूब सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप भी इसी तरह से प्रेरित करने वाले अफसरों की सफलता की कहानियां जान सकें। तो आइए जानते हैं श्री धन्या सुरेश का मजदूर के घर में पैदा होने से लेकर IAS बनने तक के शानदार सफर के बारे में। A very good evening to all. I am Sridhana Suresh from Wayanad in Kerala. केरला के वायनाड जिले में 7,000 की आबादी वाले गांव पोजुथाना के कुरुचिया आदिवासी परिवार में एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा श्री धन्या सुरेश। वर्ष 2018 तक श्री धन्या धनुष तीर बेचने वाले पिता और मनरेगा में काम करने वाली माँ की बेटी थी, मगर अब वो IAS अफसर भी हैं। श्री धन्या सुरेश के मजदूर माता पिता खुद ज्यादा नहीं पढ़ पाए, मगर उन्होंने बेटी के बढ़ते कदम नहीं रोके, उसे पढ़ने लिखने का खूब मौका दिया। नतीजा यह रहा कि श्री धन्या पूरे केरला में सबसे पिछड़े इलाके के आदिवासी समुदाय से IAS बनने वाली पहली महिला बन गई। IAS बनने के बाद खुद श्री धन्या ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आदिवासी समुदायों में बेटा बेटी में बहुत भेदभाव होता है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मजदूर माता पिता ने मेरी पढ़ाई पर कभी रोक टोक नहीं लगाई। परिवार बहुत गरीब है, मगर गरीबी को कभी मेरी पढ़ाई में आड़े नहीं आने दिया। अपने गांव पोजुथाना के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद श्री धन्या ने सेंट जोसेफ कॉलेज में जूलॉजी में स्नातक की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए कोझिकोड पहुंची और यहाँ के कालीकट विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद श्री धन्या केरला में ही अनुसूचित जनजाति विभाग में क्लर्क के रूप में काम करने लगी। कुछ समय वायनाड में आदिवासी हॉस्टल की वार्डन भी रही। एक बार श्री धन्या सुरेश की मुलाकात IAS अधिकारी श्री राम सांबा शिवराव से हुई। वहां पर उन्होंने जिस तरह मॉस एंट्री की, उसने इसके भीतर IAS अफसर बनाने की ख्वाहिश जगा दी। चूंकि कॉलेज के समय से इनकी सिविल सेवा में दिलचस्पी थी, तो वहां जब इन्होंने उनसे बात की तो कई सारी जानकारियां देने के साथ ही श्री राम सांबा शिवराव ने परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। UPSC के लिए पहले ट्राइबल वेलफेयर द्वारा चलाए जा रहे सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र में कुछ दिन कोचिंग की। उसके बाद श्री धन्या सुरेश तिरुवनंतपुरम चली गई और वहां तैयारी की। इसके लिए अनुसूचित जनजाति विभाग ने इन्हें वित्तीय सहायता दी। इन्होंने UPSC 2018 की मुख्य परीक्षा के लिए मलयालम को मुख्य विषय के तौर पर चुना। मुख्य परीक्षा के बाद जब इनका साक्षात्कार की सूची में नाम आया तो पता चला कि इसके लिए दिल्ली जाना होगा। उस समय इनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे केरला से दिल्ली तक की यात्रा का खर्च वहन कर सके। यह बात जब श्री धन्या के दोस्तों को पता चली तो उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करके 40,000 रुपयों की व्यवस्था की। उन पैसों से श्री धन्या सुरेश इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंच सकी। फिर श्री धन्या सुरेश का 410वीं रैंक पर भारतीय सिविल सेवा में चयन हुआ। ट्रेनिंग के बाद अब इन्हें केरला के कोझिकोड में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद पर लगाया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।